क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पे लिखा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला हमें यूज नहीं करना है सो डेट द पॉइंट यहाँ पे चार पॉइंट है आर द वर्टिस ऑफ पैलोग्राम तो पहले पैलोग्राम जब शो करते तो हमें शो करना पड़ता था अपोजिट साइड्स आर इक्वल द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज विदाउट यूज कर हुए हमें ये उसको पेलरोग्राम पैलो, दिखाना है तो इसका मतलब हमें स्लोप अपोजिट साइड्स का स्लोप इक्वल दिखाना पड़ेगा ठीक है स्लोप ऑफ ए बी एंड द स्लोप ऑफ दिस वन क्वल सो so, ये A, B, C, D. Now we have to slope so that slope of A B and slope of C D equal. Slope of A D and the slope of B C equal. तो so, A इज इकल टू पहला वाला point ले लेते हैं और जब भी हमें क्या करना है इसे जैसे A ये हुआ तो B ये लिखना है B ये वाला नहीं लेना है A B C D serially जाना है ठीक है तो so, यहाँ पे 4 0 हो गया C is equal to टू हो जाता है 3 थ्री और D हो गया minus थ्री टू Now we have to find out slope of this. तो so, पहले let कर लेते हैं A minus two one, B four zero, C three three and D minus three two are given points. ठीक है क्योंकि यहाँ पर पैलोग्राम है कि नहीं वो तो पता नहीं इसलिए यहाँ पर given points लिख लेंगे ठीक है उसके बाद now क्या करेंगे we have to find out slope of AB slope ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लें स्लोप का फॉर्मूला तो वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस विदाउट फार्मूला ऑल्सो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर फार्मूला पता है तो ये हो गया ए बी का स्लोप निकालना है मतलब ये एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू वाई टू यहां पे क्या है जीरो तो जीरो माइनस और ये वाई वन के यहाँ पर माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस वन यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स टू एक्स टू यहाँ पे क्या है फोर तो फोर माइनस एक्स वन क्या यहाँ पर प्लस माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस टू हो गया तो ये हो जाएगा वन बाय सिक्स एबी का स्लोप आ गया अब सी डी का भी स्लोप निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ सी डी स्लोप ऑफ सी डी का फॉर्मूला सेम वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू y2 इज वैल्यू टू वाई टू वाई टू यहां पर थ्री है तो यहाँ पे थ्री माइनस टू लिख लेंगे थ्री उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया थ्री तो ये दोनों सब ट्रैक करेंगे तो वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस थ्री हो गया सिक्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपोजिट साइड क्या हो गया इक्वल हो गया देयरफॉर लिख लेंगे हम यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी सिमिलरली अब स्लोप ऑफ एडी निकालना है स्लोप ऑफ बी सी निकालना है अगर ये दोनों का स्लोप भी इक्वल आया तो ये गिवन फोर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ आर द वर्टिसेस ऑफ बेलोरोग्राम नाउ व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ एडी अब एडी का स्लोप निकालें स्लोप ऑफ ए डी फार्मूला सेम रहेगा वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन अगर दो पॉइंट है उसका स्लोप निकालना है तो फार्मूला हमेशा Y2 minus y1 by x2 minus x1. तो आप किसी को भी ले सकते हैं ये या x1, y1, x2, y2 आप कोई कोई भी ले सकते हैं पे उसमें कोई मसला नहीं है कोई दिक्कत नहीं है जैसे आप माइनस वन माइनस टू तो माइनस वन माइनस टू कर लें उसके बाद माइनस टू माइनस वाइन प्लस हो गया माइनस टू प्लस थ्री हो जाएगा तो ये हो गया माइनस थ्री बाई वन इजिकल टू आ गया माइनस थ्री सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी बी फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ बीसी इज इक्ल टू सेम फार्मूला एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो जीरो माइनस थ्री हो जाएगा जीरो माइनस थ्री डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री तो यह हो जाएगा माइनस थ्री डिवाइडेड बाई वन इज इकल टू माइनस थ्री हो गया ये ठीक है अब फिर से देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडी एंड स्लोप ऑफ बी सी बोथ आर इक्वल तो फिर से यहां पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए सी सॉरी एडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कौन सा निकाला बीसी बीसी फोर एट लास्ट लिख लेते हैं द पॉइंट्स द पॉइंट्स चार पॉइंट्स है यहाँ पर चारों पॉइंट्स का कोर्डिनेट लिख लेते माइनस टू माइनस वन फोर जीरो थ्री थ्री एंड डी में क्या था माइनस थ्री टू आर वर्टिसेस ऑफ पेलरोग्राम ये चारों वर्टिस ये चारों पॉइंट क्या है वर्टिसेस ऑफ पेलरो ग्राम का है ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी अगर समझ गया तो प्लीज लाइक करें अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हिट द बेल बटन टू तो गेट तो नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रहेगी क्वेश्चन नंबर टेन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंतिम तक देखने के लिए कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग